नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश शुक्ला। जो भी मेरे माध्यम से सीख रहे हैं, छोटों को बहुत सारा प्यार और बड़ों को आदर के साथ नमस्कार। मैं ये 11th का मूलानुपाती सूत्र का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा। इसका क्रिस्टल फॉर्म का आपने क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखा होगा बुकों में। मैं इन क्वेश्चनों को इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे और आपको अपनी एक्सरसाइज के तो बहुत ही सरल लगेंगे। जैसे वीडियो पूरा देखें या आप स्किप करके देखें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। इंपॉर्टेंट बात मैं तरीका जो सिखाऊंगा, जल्दी से इस 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया क्या है, हिंदी और इंग्लिश वाले कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा। आ क्रिस्टलाइन शार्ट ऑन द बीम रेंडेड एंड राइडस लॉस्ट 45.6%। तो एक क्रिस्टलाइन साल्ट है, कोई हमारा जैसे फिटकरी, ये फिटकरी का ही न्यूमेरिकल है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो फिटकरी हमें नहीं मालूम होता भाई, लैब में जब कोई साइंटिस्ट कुछ करता है प्रैक्टिकल, तो उसको ये नहीं मालूम है क्या है, बस उसका अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज निकाला, फिर परसेंटेज से और मॉलिकुलर मास से, फिर बाद में उसके परसेंटेज का यूज करके इस कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग फार्मूला बनाते हैं, और फार्मूला से फिर मॉलिकुलर, पहले मूलानुपाती एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, बाद में मॉलिकुलर फार्मूला बनता है। तो अब इसमें आप, हम किसी ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें एक क्रिस्टल साल्ट था कोई, उसको जो है भूंजा गया, ठीक है, तो उसको एनहाइड्रस का मतलब निर्जलीकरण किया गया उसका, तो उसमें जो है लॉस हो गया 45.6% का जो है वाटर का। तो द कंपोजिशन, उसके बाद जो बचा एनहाइड्रस, तो उसका कंपोजिशन था एयर का इतना था, के का इतना, एल्युमिनियम का है 10.5%, के का है 15.1%, सल्फर का है 24.8%, और आपका ऑक्सीजन है 49.6%। तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट एंड क्रिस्टलाइन साल्ट, आपको दोनों का बताना है, ठीक है। फार्मूला हमको देखिए, अब इसमें ना मॉलिक्यूलर है ना वेपर डेंसिटी है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला ही बता पाएंगे, ठीक है, हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर हम लोगों को किसी भी तरीके से आपको दे दी जाए तो फिर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से उसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए कितनी फास्ट मैं आपको तरीके से कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें देखिए करते क्या है, सबसे पहले अच्छा ये मास भी आपको दे रखे, तो कितना क्वेश्चन सरल है आपके लिए। तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पिछले वीडियो में लिख चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तत्व लिखते हैं, ठीक है, तत्व में हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास एयर है, एल्युमिनियम है, आपको दिख रहा होगा फीका तो नहीं है बहुत, ठीक है, एल्युमिनियम। उसके बाद दूसरा तत्व है आपका एल्युमिनियम के बाद के पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सल्फर के बाद ऑक्सीजन, ठीक। इनके परसेंटेज प्रतिशत देखने, तो प्रतिशत एल्युमिनियम पर कितना दिया हुआ है आपको, मैं लिख देता हूं पहले, ये प्रतिशत मैंने लिख दिया, ठीक है, के का 15.1 और एस का 24.8 और ऑक्सीजन का 49.6। अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग का होता है परमाणु भार, क्या होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो परमाणु भार में हमको दे रखा गया है 27 है, ये 39 है, ये 32 है, और इसका ऑक्सीजन का 16 32, 39 और 27। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपल इसको डिवाइड करते हैं। तो जब परसेंटेज में डिवाइड करते हैं तो क्या आता था, हम लोग के नंबर ऑफ मोल आते थे, यानी कि परमाणु के मोलों की संख्या, परमाणु मोलों की संख्या, ठीक है। अब ये जब निकाला तो देखिए भाग आपको कितना आसानी से देना है, जब हम 10.5 में 27 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो जल्दी से राउंड फिगर में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग जो है राउंड फिगर आप बनाइए, तो ध्यान से देखिए, अगर इसको अप्रोक्सीमेट 30 बना दिया जाए तो 30 से इसमें 3 3 9, तो 3 टाइम्स तक चला गया, 3 तक चला जाएगा। देखिए कैसे मैंने किया, इतनी देर में मैं सोच के कर रहा हूँ, इसको 30 बना लिया, अगर नीचे कुछ बढ़ा लिया तो ऊपर कुछ कम कर दिया, तो लगभग इसको मैंने अगर 3 यहाँ इंक्रीज किया तो यहाँ 3 हमने इन वो कर लिया है, ठीक। अब 3 वैसे जनरली अगर करें तो इसको 25 4 100 होता है, तो ये 27 कुछ बड़ा है तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 पॉइंट, और कुछ बड़ा तो उससे 3 टाइम्स चला गया, ठीक है। एक जल्दी से आप इस तरीके से रफली कर सकते हो, नहीं तो भाग आपको दे देते हो। फिर उसके बाद 15.1 में 39 का डिवाइड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो कितनी टाइम्स तक जाएगा, ये इसमें अगर डिवाइड हम लोग करेंगे तो
इसको लगभग 40 मान लिया जाएगा, तो एक नीचे बढ़ाया तो एक ऊपर कम कर दिया, तो 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, ठीक है, तो 4 से 12 यानी 3 टाइम्स चला जाएगा, कितना जाएगा 3 टाइम्स। अच्छा ऊपर वाले में, अच्छा सॉरी इसका, हाँ 3 टाइम्स जाएगा। इसमें देखिए कुछ मैंने गलती कर दी, क्योंकि वहां देखिए पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया। इसमें देखिए जो है ये आपका यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, पहले तो 0 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, पहले तो 27 का जाएगा ही नहीं, और 27 का फिर कितने टाइम्स तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स ज्यादा होगा, तो 0.3 इसका कितना हो जाएगा, 0.3, और इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी 0.3 होगा, क्योंकि 39 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर उसके बाद टू डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 2 डिजिट को पहले मैच कीजिए एंट्री, ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरीके से 24.8 में 32 का डिवाइड करेंगे, तो फिर 0. आपका लगभग कितने टाइम्स लग जाएगा, 32 का अगर 30 मान के चले तो 3 नीचे कुछ कम कर रहे हैं तो ऊपर कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 3 8 24, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स आपका इसमें चला जाएगा, पहले तो 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लगभग 8 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन 8 टाइम्स जो है आपका पूरा डिवाइड तो नहीं होगा 8 टाइम्स, ठीक है। देखिए हम लोग कर लेते हैं इसको, पहले इसका भाग देते हैं एक बार हम लोग, हैं देखिए अगर मैं 8 मान के चलता हूँ तो 8 4 32 से लगी 3 और 8 3 24, तो 24 में 3 तो 27, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ऊपर तक 248 ही है, तो 8 टाइम्स नहीं करीब 7 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स 7 टाइम्स। ये कन्फर्म आप पहले नियर पे अबाउट कीजिए, फिर उसको एक बार चेक कर लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। अब इसके बाद इसको करते हैं हम लोग, तो 49.6/16, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 3 14, तो 3 और 1 वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट होगा। ध्यान रहे टेबल हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ रहे होंगे, शायद आपने पढ़ा हुआ ना जानते हो, जब टेबल हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हो 2 1s are 2, तो वो जो वंजा जब लपेट के बोल जाते हो वो क्या होता है, वंस आर होता है, वंस आर, ठीक है ना, टू वंस आर टू ये होता है, ठीक है, तो इसलिए हम जब मैं बोलूं तो उसको साफ समझे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हो गया, आप क्या करते थे हम लोग, सर परमाणुओं का सरल अनुपात निकालते थे, परमाणु संख्या या सरल अनुपात, तो सरल बाद में निकालते थे, पहले परमाणुओं मोलों की संख्या क्या निकालते थे, मोलों की हो गई परमाणु मोलों की, फिर परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो है सरल अनुपात। अब सरल अनुपात कैसे निकलेगा, इसमें जो सबसे छोटा है उसी का डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिए 0.3 में 0.3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0.3 में 0.3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0.7 में 0.3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट घट जाएगा तो 1 लगभग आ जाएगा 2.1 करके, ठीक है, फिर उसके बाद 3.1 में 0.3 का करेंगे तो ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको राउंड फिगर में बनाएंगे, कुछ पॉइंट में ही आएगा, अब सरल अनुपात में बनाते हैं इसको, किसमें, सरल अनुपात में, तो सरल अनुपात में जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल 1 1 2 और आपका ये, ठीक, ये आपका हो। अब देखिए तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया सर आपका, ठीक है, एनहाइड्रस, ठीक है, यानी निर्जलीकृत, क्या बोलोगे इसको हिंदी में, निर्जलीकृत, इंग्लिश में एनहाइड्रस, ठीक है, निर्जलीकृत लवण का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र आपका कितना हो जाएगा, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाता है कि आपने फिटकरी का फॉर्मूला देखा होगा, तो कि एल एस ओ और तो ओ के कितने आए यहां पर, देखिए जिसके जितने आए तो इसके 2 आए, इसके 9 आए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता करते हैं, सबसे पहले इसका मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम लोग मास निकाल लेते हैं, फिर मास से हम लोग का कंफर्म हो जाएगा कि इसके कितने जो हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल, और क्योंकि दूसरा क्रिस्टलाइन भी निकालना है ना हम लोगों को, यानी हम लोग को उसमें वाटर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है,
ठीक है। देखिए इस जगह पे आप हम लोगों ने कर लिया। देखिए अगर कभी कभी कोई न्यूमेरिकलों में ये हो जाता है कि आप टू डिजिट तक निकाले अगर पीछे का नंबर बड़ा है तो डिवाइड करने में थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। जैसे अब इस न्यूमेरिकल में भी अगर आप टू डिजिट तक लोगे तो करीब ये बड़े बड़े नंबर ही आएंगे क्योंकि तो यहाँ पे कैरी बहुत सारा बच रहा था। तो ऐसा होता है कि जैसे ये नियरेस्ट है तो इसमें है आपका करीब अब यहाँ पे टू डिजिट में बड़ा होगा नंबर तो ये करीब 9 times ना जाके 8 times ही जाएगा, 8 point समथिंग को जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये यहाँ 8 ही होगा इसमें पर, ठीक है। कितना होगा 8 के अप्रोक्सीमेट ये होगा। रिक्स ना ले, आप करके देख लें एक बार, ठीक है जल्दी से, क्योंकि अब मैंने तो कैलकुलेशन कर ली लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग भार निकालेंगे इसका, ठीक है। भार में कैसे निकालेंगे, के का 39, एल्युमिनियम का 27 आपको दे रखे हैं सारे ऊपर, ठीक है। एस का 32 होता तो 64 और एक का 16 128, ठीक है ना, 16 8 128। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 7 19 1900 28 हासिल लगी 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हासिल लगी 1 1 और 2 तो ये हो गया 200, ठीक। अब आप बात समझिएगा जरा कि बोला गया परसेंटेज में एनहाइड्रस कितना है, 100 जो आपका है मतलब 45.6। इसका मतलब अगर मेरे पास क्रिस्टल कितना हो, 100 ग्राम क्रिस्टल में, ठीक है, क्रिस्टल में क्या है आपका 45.6% H2O इतने ग्राम, ठीक है। तो सिर्फ एनहाइड्रस यानी निर्जलीकृत साल्ट कितना, एनहाइड्रस यानी निर्जलीकृत साल्ट कितना है आपके पास, तो 100 माइनस 45.6 यानी कि 54.4, ठीक है। ये बनेगा 10 में से और 9 में से 5 के 4, ठीक है, ये आपको बनेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि जब इतना है आपके पास, ठीक, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास तो अभी इंपीरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती भार यह है, लेकिन जब हमारे पास फार्मूला इतना था तो उसमें वाटर कितने परसेंट था, इतना था, ठीक। तो इतने में कितना होगा तो उतना ही वाटर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्रिस्टलाइन फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे इसमें है हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 54.4 में है कितना सॉलिड साल्ट आपका 55.6, तो 200 पहले 1 में निकालेंगे, दिखा ना नीचे, तो 1 में करने के लिए 45.6 अपॉन 54.4 हो जाएगा। फिर हमें कितने में चाहिए, इतने 258 में जब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं इस तरफ कर देता हूँ कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 258 ग्राम साल्ट जो है कितना उसका वाटर है हाइड्रस यानी वाटर, ठीक है, कितना ले रखेगा तो इसका हो जाएगा आपका 4, ये 5 है, 8 नहीं है, 0.6 अपॉन 54.5 × 100 = 258। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आप अंदाज लगा सकते हो, इसको हटाएंगे तो 0.9 times ही जाएगा, ठीक है। उस लाइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 9 × 72 2 9 × 45 47 4 9 × 18 4 22, तो सिर्फ कुछ 20-21 के आसपास आंसर आएगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 216 आएगा, कितना 216.2 216.2 216.2। अब ये क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया वो वाटर का अमाउंट जो इस क्रिस्टल के साथ जुड़ा हुआ था बिना एनहाइड्रस के किए हुए, ठीक है। अब आपको इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मोल्स निकालने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वाटर का, हम लोग एक मॉलिक्यूल H2O का जानते हैं कितना होता है 18 का, इसमें क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ H2O तो कितना हो जाएगा 216.2 अपॉन 18 क्यों किया, क्योंकि वाटर ही तो क्रिस्टल के फॉर्म में जोड़ता है तो वाटर के मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दिया, तो अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा
12 आएगा, एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12, तो आपका फाइनल, आपका फाइनल जो क्रिस्टलाइन फार्मूला होगा, क्रिस्टलाइन फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, ये ध्यान दें एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा, अभी कोई नॉर्मल फार्मूला नहीं बना, मूल अनुपाती सूत्र ही है, तो कितना हो गया आपका के एल एस टू ओ एट डॉट 12 H2, ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब यही हम एन जो पिछले वाले में हम लोगों ने निकाला था कि एम्पिरिकल फार्मूला का मास रख दीजिए और नीचे आप मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिए और नीचे एम्पिरिकल फार्मूले का मास रख दीजिए, तो एन निकल आएगा, उसको अपने टाइम मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर हम लोग वैसा करें तो दो को मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जब, तो ये पूरा क्रिस्टल का फार्मूला जो सही एग्जैक्ट वो बन जाएगा। अब इससे सिर्फ एम्पिरिकल है, आपको कोई मॉलिक्यूलर वेट या जो फार्मूला मास है वो आपको नहीं दे रखा है, तो इसलिए उसका हम लोग कुछ आगे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे, आपके सामने ही मैंने कैलकुलेशन की है, तो इसको अभ्यास कीजिए, ठीक है। अब आप ये वाला अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अन्य क्वेश्चन सब सरल लगने लगेंगे। पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, कोई कमी रह गई हो शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहते रहें।